أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका एक मतलब आपने फिर यही वैल्यूज लिखनी है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0 तो आपने पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है तो आपने क्या करना है यहां पे आपने डिवाइड करना है डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड यानी दोनों साइडों पे आपने किससे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से हर टर्म को तो यहां पे करते हैं x रेज टू पावर 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल 0 ओवर x स्क्वायर तो आप 0 को जिस मर्जी नंबर से डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है तो यहां पे देखें आप लोगों के पास यहां पे ऊपर x की पावर 4 है नीचे x की पावर 2 है तो यहां पे कैंसिल होकर पावर 2 बचेगी यहां पे भी ये कैंसिल होकर पावर 1 बचेगी यहां x स्क्वायर से कैंसिल यहां पे x की पावर 1 है और यहां पे 2 तो नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 1 तो रिमेनिंग आप लोगों के पास जो वैल्यूज आएंगी यहां पे आप लोगों के पास x स्क्वायर यहां पे माइनस 2x यहां पे आपके पास माइनस 2 यहां पे आप लोगों के पास प्लस 2 ओवर x और यहां पे 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल 0 अब आपने क्या करना है आपने स्क्वायर वाली यानी x स्क्वायर वाली वैल्यूज पहले लिखनी है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फिर आपने x वाली वैल्यूज लिखनी है माइनस 2x प्लस 2 ओवर x फिर आपने कांस्टेंट वैल्यूज नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर तो यहां पे आप लोगों के पास कॉमन क्या आ रहा है माइनस 2 रिमेनिंग आपके पास x माइनस 1 ओवर x और लास्ट पे आपके पास माइनस 2 इज इक्वल 0 अब आपने इस इक्वेशन को مزید सिंपलीफाई करने के लिए लेट करना है यहां पे स्टूडेंट्स लेट करें आप लोग x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल y यानी ये जो आप लोगों के पास वैल्यूज है इसको आपने लेट कर लिया y इक्वल तो यहां से इस वैल्यू को यूज करते हुए आपने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेना है x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर और यहां पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर फिर आप लोग स्क्वायर ओपन करें x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल y स्क्वायर तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो जब यहां पे आप लोग x 1 ओवर x लिखोगे वो कैंसिल हो जाएगा आपको वैल्यू चाहिए थी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर तो ये जो माइनस 2 था राइट हैंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा प्लस आप लोगों के पास दूसरी वैल्यू भी आ गई x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वो क्या है y स्क्वायर प्लस 2 तो आपके पास यहां पे वैल्यूज पुट करें तो इक्वेशन क्या आ जाएगी यहां पे आप लोग x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट करें तो ये आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 2 प्लस सॉरी माइनस 2 और यहां पे x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या है आपके पास y माइनस 2 इज इक्वल 0 नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने मजीद सिंपलीफाई करना है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल 0 तो यहां पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी
वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल जीरो। अब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को तो यहां से इस इक्वेशन से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, y, रिमेनिंग क्या आया y माइनस टू इज इक्वल जीरो। तो यहां से आप लोगों के पास या तो y जीरो के इक्वल होगा या फिर आपके पास y माइनस टू इज इक्वल जीरो। अगर तो ये वाली टर्म जीरो है तो यहां पे आपने y क्या लेट किया था, यहां पे x माइनस वन ओवर x, x माइनस वन ओवर x इज इक्वल वाई। तो ये जो आप लोगों ने लेट किया था तो यहां पे आप लोग y की वैल्यू लगाए x माइनस वन ओवर x इज इक्वल जीरो। सिंप्लीफाई करें यहां पे एलसीएम लें x, तो यहां पे आ जाएगा एक्स केयर माइनस वन इज इक्वल जीरो। एक्स केयर माइनस वन, यहां पे x डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। एक्स केयर इज इक्वल वन, तो यहां से आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x की वैल्यू यहां पे स्टूडेंट्स आपको स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा, तो दोनों साइडों पे आप लोगों ने स्क्वेयर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां पे आप लोगों ने स्क्वेयर रूट करना है, तो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल प्लस माइनस, आपको पता है वन का स्क्वेयर रूट वन ही होता है, तो यहां पे आपको एक्स की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह आपने यहां पे देखे, यहां से आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी टू, वाई की यही वैल्यू लेट जो की थी आपने वो पुट करें, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू, यानी y की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहां पे आप लोग बता दें जींस x माइनस वन ओवर x इज इक्वल y। तो यहां पे सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें आप लोग, एलसीएम आएगा x और यहां पे आ जाएगा एक्स केयर माइनस वन इज इक्वल टू। एक्स यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा टू के साथ, तो यह आ जाएगा एक्स केयर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। एक्स केयर ये एक्स वाली वैल्यू इधर लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे, आ जाएगा माइनस टू एक्स और यहां पे माइनस वन इज इक्वल जीरो। तो ये आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, तो यहां पे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर ले। तो यहां से आप लोगों के पास ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस टू है और सी की वैल्यू माइनस वन है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था वो, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। वैल्यू पुट करें आप इसमें तो आपको पता है स्टूडेंट्स b की वैल्यू क्या है, यहां पे माइनस टू, ये माइनस फार्मूले का b की वैल्यू माइनस टू, प्लस माइनस b की वैल्यू पुट करें माइनस टू का स्क्वेयर आ जाएगा माइनस फोर ए की वैल्यू यहां पे आपके पास वन और c की वैल्यू आपके पास माइनस वन। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास टू ए, ए की वैल्यू यहां पे वन। मजीद सिंप्लीफाई करें इसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस टू का स्क्वायर आपको पता है फोर होता है, माइनस माइनस प्लस और ये फोर, डिनोमिनेटर में टू आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एट और ये स्क्वायर रूट ऑफ एट, डिनोमिनेटर में टू। तो जब आप लोग 8 का स्क्वेयर रूट फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर आता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू। तो यहां से आप लोगों के पास कॉमन क्या आ रहा है, बाकी मैं इधर कर देता हूं स्टूडेंट्स, ऊपर आपके पास कॉमन आएगा 2, बाकी रिमेनिंग 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2, डिनोमिनेटर में भी क्या है 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ टू। तो आपके पास x की वैल्यू यहां पे भी आई थी और यहां पे भी वैल्यूज आई हैं। तो नेक्स्ट आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में इसका आंसर करना है, तो वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन कॉमा वन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ टू। तो यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी मेथड से ट्राई कर लेना है। Take care, Allah Hafiz.